नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मॉड्यूल के बारे में जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, अगर हम देखा जाए तो ड्रुपल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो काफ़ी बल्क में सब कुछ हो जाता है। तो आपके पास अगर बहुत सारे कंटेंट को अपडेट करना हो या उन पर कोई एक्शन करना हो, तो आपको एक ये मॉड्यूल है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, व्यू बल्क ऑपरेशन, VBO, जिसको शॉर्ट फॉर्म VBO है, ये यूज़ करेंगे हम। इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उसके थ्रू हम लोग आज चार चीज़ें करेंगे। पहला कि हम लोग अपने कंटेंट का अगर ऑथर बल्क में अपडेट करना है तो वो कैसे हम अपडेट करेंगे, और किसी नोट का अगर हमें एलियास चेंज करना हो या उसे एलियास को जो हम लोग URL बोलते हैं, तो अगर वो हमें चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, और अगर हमारे पास बल्क में इमेजेस हैं और उनका हमें एल टैग या टाइटल टैग एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो कैसे चेंज करेंगे, ये देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें इस मॉड्यूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके अपने हम लोकल मशीन में इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये सेक्शन चला जाएगा आपका व्यू के उसमें, तो हम इसको व्यू में देख सकते हैं, व्यू के उसमें। तो ये देखिए व्यू, ये व्यू बल्क ऑपरेशन, ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए डिपेंडेंसी है कि व्यू भी होना चाहिए हमारे पास और शेड्यूल्स भी होना चाहिए। ये दोनों मॉड्यूल यूज़ करने के बाद ही आप व्यू बल्क ऑपरेशन यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम दोस्तों सबसे पहले एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ VBO। इसके थ्रू हम लोग कंटेंट अपडेट कराएंगे अपना आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल में हम लोग क्रिएट कराएंगे, पेज हम बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अनफॉर्मेटेड लिस्ट, यहाँ पर हम फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू एडिट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे हमारे पास है ये। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, कुछ इमेजेस ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके मीडियम साइज ले लेते हैं, कंटेंट में कंटेंट, ठीक है, अप्लाई। और इसमें हम एक बॉडी ऐड कर लेते हैं, बॉडी इसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे ताकि स्पेस काफ़ी ना आए। कैरेक्टर ट्रिम कर लिया, ये देखिए इमेज आ गई, टाइटल आ गया, इमेज आ गई और उसका बॉडी आ गया, ठीक है। अब पोस्ट डेट लेते हैं, पोस्ट डेट, ठीक है, एग्जाम्पल। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, टाइटल हो गया, पोस्ट डेट, ठीक है, इमेजेस नीचे कर देते हैं, पोस्ट डेट ऊपर कर देते हैं, पोस्ट डेट लास्ट में ही रखते हैं, ठीक है, सेव करते हैं इस तरीके। इसको टेबल में लेके देखते हैं, टेबल में इस तरीके से दिखेगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये हम रखते हैं। तो ये है रहा टेबल में हमारा, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें एक और मैजिक फील्ड ऐड करेंगे, ये रहा हमारा बल्क ऑपरेशन, इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अब बल्क ऑपरेशन जो कि इसके जो बल्क ऑपरेशन सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट में है, उसे हम नहीं छेड़ेंगे, डिफ़ॉल्ट में जो है वही रहेगा। अब यहाँ पर वो आपको यूज़ करना है जो आपको एक्शन अप्लाई करने हैं। अब देखिए जैसे कि हमने बोला था चेंज ऑफ ऑथर कंटेंट, ये हमें करना है। अगर हमें आइटम डिलीट करना है बल्क में तो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई PHP कोड, जैसे कि हम अभी यूज़ करेंगे इसमें अल्ट और टाइटल अपडेट करेंगे, तो उसके लिए थ्रू यूज़ करेंगे इसको। और मॉडिफाई एंटिटीज वैल्यू, इसको हमें अगर हमारे आर्टिकल में कोई भी फील्ड हो, हमें कोई अपडेट करना हो, एंटिटी टाइप की वैल्यू जो अपडेट करनी है, तो भी हम इसको करेंगे।
और ये अपडेट नोड एलियास। दोस्तों अगर आपको अपडेट नोड एलियास का ऑप्शन ना दिख रहा हो तो इसके लिए एक मॉड्यूल इसमें यूज़ हो रहा है, पाथ ऑटो। जब पाथ ऑटो आप इंस्टॉल करोगे तो ही यहाँ पर ये ऑप्शन आपको आएगा, अपडेट नोड एलियास। तो उसको चेक कर लीजिएगा कि आपके पास पाथ ऑटो मॉड्यूल होना चाहिए। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब इसके व्यू पेज पे चलते हैं। ये देखिए इमेजेस थोड़ी छोटी हैं लेकिन चलेगा, अपने को इमेजेस क्या करना। ठीक है, बल्क ऑपरेशन को आगे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा हो। तो उसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज बल्क ऑपरेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको सेव कर दिया। इससे क्या है, ये जो चेकबॉक्स हैं जो हमारे पीछे आ गए हैं वो हमारे फर्स्ट पहले आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब इस पे हम सबसे पहले जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे, देखिए दोस्तों ये इमेजेस, हम जब इसका कोड देखेंगे तो इसमें अल्ट टैग और वो टाइटल कोई दोनों टैग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसको हमें अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस इमेजेस को सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसको हमें अप्लाई करना। आप सब भी कर सकते हैं, आप पूरे जैसे कि इसमें दिखा रहा सेलेक्ट ऑल 2204 रोस इन व्यू, वो पूरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्टेड 2000 या आप टेस्ट करने के लिए केवल इस पेज ही करेंगे तो 10 रो दिखाएगा। ठीक है, हम केवल अभी दो में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए अब हम PHP कोड डालेंगे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वो कोड डालना है। देखिए दोस्तों नीचे मैसेज आ रहा है कि आपको यहाँ पर वेरिएबल दो आपके अवेलेबल हैं आपके पास, उनका यूज़ करके आप इसको इस एंटिटी को अपडेट कर सकते हो। तो हम यहाँ एंटिटी का यूज़ करेंगे, उसके लिए मैंने कोड पहले से लिख रखा है, तो वो हमारा ये कोड है। ठीक है, ये देखिए आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, उस नोट जो भी आर्टिकल होगा वो हमने वहाँ पर उसका टाइटल उसके अल्ट टैग में और उसके टाइटल में दोनों में अपडेट करा दिया। ठीक है, और जो भी उस आर्टिकल का टाइटल होगा। ठीक है, आप मल्टीपल लैंग्वेज के लिए भी करना चाहते हो, मल्टीपल लैंग्वेज के लिए भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमारी ड्रुपल साइट मल्टीपल लैंग्वेज में कैसे बनेगी। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। दो कंटेंट के लिए था ये, तो कन्फर्म कर रहा है, कन्फर्म करते हैं। प्रोसेस हुआ, ये देखिए दोस्तों दो इमेजेस में हम लोग टाइटल हम जब करते हैं तो इस तरीके से आता है होवर में, तो इस तरीके से ये आ गया। देखो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए अल्ट, ये हमारा अल्ट आ गया और ये हमारा टाइटल आ गया, दोनों हमारे पास आ गए। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा कि हमने कैसे अपने इमेजेस के अल्ट टाइटल को, आप एक साथ भी इसको कर सकते हैं, मैं एक साथ आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट ऑल रो, ठीक, एग्जीक्यूट PHP कोड स्क्रिप्ट के लिए हम ये यूज़ करेंगे, उसके बाद पेस्ट और नेक्स्ट, उसके बाद कंफर्म मैसेज, कंफर्म। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी नोट्स हैं, अराउंड 72 या अराउंड 62 ऐसे ही कुछ होंगे। तो ये था दोस्तों कि हम अपने वेबसाइट पे अगर हमें बल्क इमेजेस अपडेट करनी है, आप अल्ट टैग जैसे अभी हमने अपडेट किया, टाइटल भी अपडेट किया, तो इसी तरीके से हम बॉडी भी अपडेट कर सकते हैं कि हमें कोई बॉडी में कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतनी रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक और एग्ज़ाम्पल कवर करेंगे ताकि चीज़ें और हमें अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।